अपन ने स्टार्ट करा था लास्ट वाले लेक्चर में रेजोनेंस। क्या स्टार्ट करा था वाला? रेजोनेंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा रेजोनेंस के बारे में, मैंने हर एक चीज को पूरे डिटेल में बताया। फिर अपन क्या सीखे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सम स्पेशल पॉइंट्स। आज का जो लेक्चर है तुम्हारा कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे है, ध्यान देना वो क्या है तुम्हारे सामने, वो क्या है। अगर मैं स्पेशल पॉइंट्स की बात करूँ, तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आता है, SpCl। S बोले तो सल्फर है, P बोले तो फॉस्फोरस, और Cl बोले तो क्लोरीन है। ये सारे वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करते हैं। कैसे ऑर्बिटल कंटेन करते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करते हैं। वैकेंट बोले तो खाली, वैकेंट बोले तो खाली। तो जैसे ही मैंने सम स्पेशल पॉइंट्स की, देखो कुछ कुछ चीजें क्या होती है जो तुम्हें समझने में मुश्किल आता है या जिसका यूज लगभग लगभग हर जगह होता है, तो उसे मैंने क्या किया, एक जगह अलग से सजा दिया और लिख दिया मैंने सम स्पेशल पॉइंट्स। तो स्पेशल पॉइंट्स में हमारे सामने ट्रिक पहले निकल के आया स्पेशल, ठीक है। स्पेशल बोले तो ये सारे कैसे कंटेन कर रहे हैं, वैकेंट और ऑर्बिटल, और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल अपने को इससे मतलब, ये जो वैकेंट और ऑर्बिटल कंटेन कर रहे हैं। अब देखो कल के लेक्चर में जो मैंने टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन बताया था, तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हमने कितना देख लिया था, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, जिसमें से एक ये भी था लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव, ये भी था, ठीक है। अगर वैकेंट और ऑर्बिटल की बात कर लें तो वैकेंट और ऑर्बिटल के केस में क्या था टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, जल्दी से बताओ, नेगेटिव सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, यही चीज था, यही चीज था, ठीक है। हमारे सामने केस है पहले नेगेटिव सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का, क्लोरीन के पास क्या होता है बाबू, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा, मतलब ये जो कार्बन देख रहे हो और ये जो क्लोरीन देख रहे हो, इसके नेगेटिव ऑर्बिटल में और इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों के बीच बॉन्ड बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच क्या बन गया तुम्हारा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब दैट मींस रेजोनेंस हो गया, क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अगला केस देखो, ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा ही मजेदार है, ध्यान देना। ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है तुम्हें, वैकेंट ऑर्बिटल कह लो, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या चीज होता है, डब्बा खाली, वहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, और ये जो तुम पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, इसका मतलब भी क्या, वो डब्बा खाली, वहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब ये जो तुम CH2 देख रहे हो, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। दैट मीन्स इस जो कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट लिखेंगे क्या, या क्या लिखूं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखो, क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, हो गया तुम्हारा रेजोनेंस, क्या हो गया, रेजोनेंस। दैट मींस अपना लोन पेयर ये यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब लोन पेयर जैसे ही तुम्हारा डीलोकलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को दे रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होने लगेगी, बॉन्ड बनने लगेगी, ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरा जो बनने वाला बॉन्ड है वो कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, कौन सा, पाई बॉन्ड। अब मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि अगर लोन पेयर का डोनेशन हो जाए तो उस एटम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव ट्रांसफर करे तो पॉजिटिव चार्ज वगैरह का वैसा कोई लफड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही लोन पेयर का डोनेशन हुआ, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो इस कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से, हर एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दिख रहा है क्या, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन टोटल 6 और एक लोन पेयर, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट मींस क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेफिशिएंट या सफिशिएंट या रिच कर, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है जी, कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो इंटरेस्टिंग वाली बात यहाँ पे क्या निकल के आती है ना, सुनो, अगर अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता ना, तो ये रेजोनेंस नहीं करता, ये रेजोनेंस नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या आ जाए, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हाँ, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसके पास सफिशियंट इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हो क्या रहा है। देखो जब कभी भी पॉजिटिव के बगल में तुम्हें लोन पेयर दिख जाए, जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज के बगल में तुम्हें लोन पेयर दिख जाए, ध्यान देना कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और यहाँ पे लोन पेयर, तुरंत डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, तुरंत डोनेट कर देगा, ठीक है, और ये तुरंत स्टेबल हो जाएगा, ये तुरंत स्टेबल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कभी अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताऊं ना, तो ध्यान देना ये हाईली स्टेबल है, कैसा, हाईली स्टेबल। जब कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर रेजोनेंस में तुम देखोगे, अगर तुम्हें दिख जाए कि लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव है, तो तुम उसे फर्स्ट नंबर पर रखोगे, कहाँ रखोगे, फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स वो हाईली स्टेबल है। तो हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे क्या था, ये गरीब था, ये गरीब था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जस्ट अमीर हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है, इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब पहले गरीब था और अब तुरंत अमीर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही अमीर हो गया ना, तो क्या तुरंत अमीर हो जा रहा है, पक्का, तो ये डायलॉग मारेगा अक्षय कुमार का, किसका डायलॉग मारेगा जी, अक्षय कुमार का, बेटे किसी जमाने में हम भी
गरीब हुआ करते थे, लेकिन रातों रात करोड़पति हो गए, रातों रात करोड़पति हो गए, मतलब ये जैसे ही स्टेबल हो गया, ठीक है, तो किसी को चूना लगा रहा है कि मैं रातों रात करोड़पति हो गया, मैं रातों रात, अब पूछेगा उधर से राजपाल यादव आके, अच्छा मैं क्या गाँव से आया हूँ? नहीं, ये बताएगा कि मेरे हाथ एक स्कीम लगी, और स्कीम क्या था, 25 दिन में पैसे डबल। एक्चुअली ठीक है 25 दिन में पैसे, इसका स्कीम काम नहीं किया, लेकिन ये बना रहा था, लेकिन ये है सो वाकई में हो गया अमीर, ये है सो तुम्हारा वाकई में अमीर हो गया, क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या था, लोन पे था, ठीक है, फटक से दे देगा, ये रातों रात करोड़पति बन जाएगा, क्या हो गया अरे, रातों रात करोड़पति बन गया, दैट मीन्स ये हाईली स्टेबल हो गया, क्या हो गया, ये हाईली स्टेबल हो गया, क्लियर हो गया पक्का? ये था तुम्हारा स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, ये था तुम्हारा स्पेशल पॉइंट फर्स्ट। अगर स्पेशल पॉइंट टू की मैं बात करूँ, तो जब कभी भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिख जाए, और डबल बॉन्ड के ऊपर अगर तुम्हें लोन पेयर दिख जाए, या नेगेटिव चार्ज दिख जाए, या पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, या फ्री रेडिकल दिख जाए, ध्यान में रखने वाली बात है, ये कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कभी नहीं करेंगे। अगर अगर पाई बॉन्ड के ऊपर, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव और फ्री रेडिकल दिख जाए, तो ये कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तुम्हारा रेजोनेंस करेंगे ही नहीं, ये तुम्हारा रेजोनेंस करेंगे ही नहीं। अगर ये रेजोनेंस नहीं किए, तो ये लोकलाइज्ड हुए या डीलोकलाइज्ड हुए? लोकलाइज्ड हो गए। कैसे हो गए? ये हो गए तुम्हारे लोकलाइज्ड, क्लियर है? ये था तुम्हारा स्पेशल पॉइंट। देखो अगर स्पेशल पॉइंट की बात करो, तो टोटल में 5 स्पेशल पॉइंट बताने वाला, कितना, 5। पहला का क्लियर हो गया पक्का। दूसरे वाले केस में देख, मैंने क्या बोला कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव या फ्री रेडिकल दिख जाए, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, लोकलाइज्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? लोकलाइज्ड, क्लियर है? रेजोनेंस में होता क्या है, डीलोकलाइजेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का। अब ये तो लोकलाइज, ये तो डीलोकलाइज कर ही नहीं रहा, दैट मींस क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे सामने, देखो तुम्हें बताना है कि वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है, ये लोकलाइज्ड हो गया, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, समझ में आया? ये रेजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। लेकिन पाई बॉन्ड के ऊपर जो तुम नेगेटिव लोन पेयर पॉजिटिव और फ्री रेडिकल देख रहे हो, ये कैसे है तुम्हारे, लोकलाइज नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, लेकिन पाई बॉन्ड तुम्हारा करेगा रेजोनेंस, क्लियर है? देखो अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने पहला ये वाला एग्जांपल ले लिया, चलो सबसे पहले रेजोनेंस के लिए अपन क्या देखते हैं, कॉन्जुगेशन देखते हैं क्या, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पक्का? अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो क्या रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ठीक है? अगर ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये लोन पेयर क्या हो गया, लोकलाइज या डीलोकलाइज, डीलोकलाइज्ड, क्लियर है? ये रेजोनेंस तुम्हारा कर रहा है, और देखो ये डबल बॉन्ड के ऊपर आ रहा है क्या लोन पेयर, नहीं। लेकिन जो जैसे मैं अगला एग्जांपल लूँ, अगर मैं अगला एग्जांपल ले लूँ, चलो मैंने पिरिडीन ले लिया, देखो इसका मतलब क्या है ना, इधर मान ले अगर कार्बन कार्बन लगा हुआ, या कार्बन ऑक्सीजन लगा हुआ, या कार्बन नाइट्रोजन लगा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उससे लगे एटम पे देखेंगे कि अपन लोन पेयर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव या फ्रीडिकल क्या है। यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब इधर कार्बन और इधर क्या है, नाइट्रोजन है क्या, तो इधर से जो लगा तुम्हारा नाइट्रोजन है, इधर जो लगा तुम्हारा नाइट्रोजन, एक बात बताओ मेरे को कि डबल बॉन्ड के ऊपर ही तुम्हारा क्या लोन पेयर आ रहा है पक्का, तो ये रेजोनेंस में तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कैसे रहा, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, क्या हो गया, लोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्लियर हुआ, ध्यान देना। लेकिन पाई बॉन्ड करेगा, देखो पाई सिग्मा पाई, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये तो रेजोनेंस करेगा, मतलब पाई सिग्मा पाई में हमेशा रेजोनेंस होगा, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा था और पाई बॉन्ड भी, बोलना है, हाँ बोलना भी है, पाई बॉन्ड भी है, देखो पाई बॉन्ड भी तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था और लोन पेयर, क्लियर है? यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था यहाँ पे, लेकिन केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर नहीं कर रहा था। अगला एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैंने बेंजीन रिंग ले लिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? देखो तुम्हें टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा, सर पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो अपन रेजोनेंस करा देते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखवाया कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर तुम्हें लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दिख जाए, तो वो तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? ना, ये भी तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज, क्लियर है? और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, चलो साइनाइड का ले लेता हूँ, आर सी एन, यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, यहाँ तो कॉन्जुगेशन देखो, पाई बॉन्ड के ऊपर क्या आ गया तुम्हारा, लोन पेयर, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है, ये रेजोनेंस में तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, कैसा हो गया, लोकलाइज्ड। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखा चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अब मैंने ले लिया फिनॉल, ले लिया क्या, लिया
क्या ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं? पक्का? अब मेरे को बताओ, इस केस में देखो पाई सिग्मा लोन पेयर क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है? रेजोनेंस होना चाहिए, बिल्कुल होगा, लेकिन दो दो लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? दो दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर में से कोई एक ही लोन पेयर है जो तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी एक नहीं करेगा। तो एक मान लो अगर ये तुम्हारा है सो रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा था, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था तो ये कैसा हो गया? डीलोकलाइज ना हो गया, डीलोकलाइज। और ये कैसा हो गया? लोकलाइज, लोका। लेकिन अगर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर होता है, तो हमेशा वो डीलोकलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, हमेशा वो लोकलाइज हो जाएगा। किस केस में? जब डबल बॉन्ड के ऊपर है। किसके ऊपर? डबल बॉन्ड के ऊपर है। क्लियर है? पक्का? डबल बॉन्ड बने तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ गया? अगर दो दो लोन पेयर है तो कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक डीलोकलाइज है तो दूसरा लोकलाइज है। क्लियर है? चलो नोट करो यहाँ तक। इस केस में पहले यहाँ पे क्या था? लोन पेयर एक्चुअली बाय मिस्टेक से मैंने लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें क्या करना है जी? रेजोनेंस करना है। सबको नोट करना बंद कर दो और सुनो, तुम्हें क्या करना है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत बढ़िया। तुम्हें कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है? टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव। कितनों को दिख रहा है? पक्का? पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? कितने लोग कह रहे हैं इसमें रेजोनेंस हो रहा है? टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट तो है, पाई सिग्मा पॉजिटिव है तो सही। ठीक है, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा थोड़ी देर में अपन देखते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो तुम लोगों ने क्या इस तरीके से थोड़ा प्लस और माइनस में, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है, क्लियर है? जैसे इसका तुम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया होगा। स्पेशल पॉइंट है, क्या है? स्पेशल पॉइंट है, ध्यान देना। जब कभी भी तुम लोग यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे, ठीक है, तुम्हारा जो ब्रेन का लेवल था तुम लोग सही चले अपने दिमाग के अनुसार से कि सर पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, चलो अपन रेजोनेंस करा देते। क्या करा देते? रेजोनेंस। रेजोनेंस तुमने करा तो दिया, रेजोनेंस तुमने करा दिया टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन देखे, ठीक है। लेकिन देखो रेजोनेंस कराने के बाद होप पे क्या रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है बताना टोटल? पांच। कितना? पांच। पहले कितना बना रखा था? चार, तीन और एक चार। अभी टोटल कितना बॉन्ड बना लिया? पांच बॉन्ड। और नाइट्रोजन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल, इससे ना हो पाएगा। पांच बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता है, पांच बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान देना, जब कभी भी नाइट्रोजन न्यूट्रल में हो, किस स्टेट में? न्यूट्रल में। देखो ये चीज मैं पहले वाले एक बार लेक्चर में हिंट देके गया था, ठीक है, तो ये बनाएगा फॉर्म थ्री बॉन्ड्स। कितना बॉन्ड बनाएगा? थ्री बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आर सी एन साइनाइड का, ठीक है, या एन एच थ्री का एग्जांपल ले लूँ, किसका ले लूँ एग्जांपल? एन एच थ्री का ले लूँ। टोटल नंबर ऑफ, देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? तीन बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? तीन बॉन्ड। किस स्टेट में? न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। और इसके पास इसका एक लोन पेयर होता है, इसके पास इसका एक लोन पेयर होता है, क्लियर है? और जब कभी भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इट फॉर्म फोर बॉन्ड। कितना? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो हो गया तुम्हारा NH4+। क्या हो गया? NH4+। नाइट्रोजन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं, वैलेंसी नहीं उसकी, कहाँ से बनाएगा? क्लियर है? तो स्पेशल पॉइंट में यही चीज़ मैं तेरे को बताने के लिए लिखा था, नहीं तो अदरवाइज मैं इसे स्पेशल पॉइंट में क्यों डालता? ठीक है, अगर सिंपल सा रेजोनेंस अपन इसका हो जाता तो इसे मैं स्पेशल पॉइंट में क्यों डालता? कल वाले लेक्चर में जब हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा था तो वहीं पे क्लियर कर देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा अगर तुम रेजोनेंस करा दोगे तो नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड आ जाएंगे? पांच बॉन्ड। और नाइट्रोजन पांच बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। जब वो न्यूट्रल होगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? तीन। और जब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कितना बॉन्ड बनाएगा? चार। क्लियर है? पक्का? अगला केस देखो, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी दिख रहा है तुम्हें? पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्या पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दिख रहा है? करा दे रेजोनेंस, रेजोनेंस करा दें? नहीं कराऊंगा मैं। यहाँ पे प्लस चार्ज है क्या? पॉजिटिव है, तो इधर अपन क्या लाएंगे? नेगेटिव। चलो इधर प्लस लेते हैं और इधर माइनस लेते हैं। रेजोनेंस होके देखो स्ट्रक्चर क्या बना? एच टू सी डबल बॉन्ड, सी एच था तुम्हारा इधर, और यहाँ पे ओ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है बाबू? दो लोन पेयर। क्या दो लोन पेयर है इसके पास? अब देखो पाई बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पे पाई बॉन्ड के ऊपर अगर तुम्हारा लोन पेयर दिख जाए तो क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। रेजोनेंस कौन कर रहा है? पाई बॉन्ड कर रहा है। कौन कर रहा है? पाई बॉन्ड। तो इसके पास क्या है? यहाँ पे दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं। पक्का? अब ध्यान देना, इस केस में क्या था कि ये जो ऑक्सीजन तुम देख रहे हो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस कराने के बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जा रहा है। इसके पास टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? छह इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया ना तो ये अनस्टेबल फील करेगा। क्या फील करेगा? अनस्टेबल फील करेगा। और कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहता। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, अक्षय कुमार वाला डायलॉग मारा था, तो यहीं पे देखो जैसे कि क्या हुआ, वो लालच में आ गया राजपाल यादव और बंदे ने क्या किया, अपना पैसा दे दिया अक्षय कुमार को, ठीक है। अब जैसे पैसा दे दिया 25 दिन के बाद खुश होकर गया कि
पैसे तो डबल हो जाएंगे, लेकिन जब उसे गया तो वहाँ पे सरप्राइज मिले, एक भी रुपये मिले क्या? नहीं, बर्बाद हो गया बंदा, बर्बाद हो गया, तिवारी सेठ का पैसा था ऊपर से। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, तोतला तिवारी सेठ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजपाल यादव क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो गलती वैसा करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्टेबल से तुम्हारा अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, स्टेबल से तुम्हारा अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे भी तुम्हारा रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा रेजोनेंस नहीं होगा। रीजन जाएगा मोर ईएन पे पॉजिटिव, मोर ईएन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, पे ही लिखा हुआ है। और सिक्स इलेक्ट्रॉन है, बोले तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्लियर है पक्का। ये अनस्टेबल बना दे रहा है, क्या कर दे रहा है, अनस्टेबल कर देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। अगला केस में देखो, नेक्स्ट वाले केस में क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि मोर ईएन पे पॉजिटिव आ गया, और मोर ईएन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है और छह इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन क्या चला गया कि तुम्हारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अगला वाला केस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालने, तुम्हें क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या नेगेटिव। ऑक्सीजन का बताओ तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है। प्लस प्लस लोन पेयर कितने हैं, दो लोन पेयर है रे, एक और एक, कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, कितने, क्या एक हो गया, दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका, sp3 हो गया क्या, पक्का। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तो फॉर्मूला यही होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ गया, sp3, क्या आ गया जी, sp3, जो कि नहीं होगा, जो कि गलत है। ऐसा क्या हो गया सर, फिर ध्यान देना, ये लोन पेयर सिग्मा पाई क्या कॉन्जुगेशन में है, क्या कॉन्जुगेशन में है, पक्का। देखो ये जो तुम देख रहे हो लोन पेयर सिग्मा और पाई, क्या कॉन्जुगेशन में है, पक्का, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब एक बात बताना मेरे को, अगर ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो इसका जो तुम एक लोन पेयर देख रहे हो ये क्या डीलोकलाइज हो जा रहा है, ये क्या डीलोकलाइज हो जा रहा है। तो कभी भी डीलोकलाइज लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हो गया तुम्हारा डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अरे ये यहाँ से चला गया ना, ये यहाँ से गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ये चला गया, ये बचा ही नहीं, तो इसको अपन इंक्लूड ही क्यों करेंगे, जब ये चला गया तो इसे अपन इंक्लूड ही क्यों करेंगे। दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा निकल के, दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, क्या है बाबू, दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp2, क्लियर है पक्का, ये होगा सही। पहले तुम इसे लिखोगे और इसे काटोगे भी, ये सारे स्ट्रक्चर बनाने और यहाँ पे क्रॉस भी लगाओगे, क्रॉस का मतलब क्या है कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और इस केस में देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, हाइब्रिडाइजेशन बोले तो दो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो ट्रांसफर नहीं होता ना रेजोनेंस में, रेजोनेंस में क्या होता है, केवल पाई बॉन्ड का खेला है तुम्हारा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई भी किसी भी तरह का छेड़खानी कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो लोन पेयर देख रहा था, तुमने दो लोन पेयर चिपका दिया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, लेकिन ये जो तुम लोन पेयर देख रहे हो ना, अगर दो लोन पेयर है तो एक लोकलाइज्ड है, दूसरा डीलोकलाइज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लोकलाइज या डीलोकलाइज, लोकलाइज कौन करेगा, डीलोकलाइज, सॉरी लोकलाइज्ड। यहाँ पे क्या हो गया, ये डीलोकलाइज्ड है ना, अब ये रेजोनेंस कर ले रहा, तो ये रेजोनेंस में जैसे पार्टिसिपेट कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एक ही लोन पेयर बचा, या डीलोकलाइज्ड ना बाबू, चला जाएगा, कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहेगा तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, चलो तुम्हें बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस नाइट्रोजन का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो गया, sp2। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख ले, क्या तीन सिग्मा है, प्लस लोन पेयर कितना है, ये जो तुम लोन पेयर देख रहे हो ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो ये रेजोनेंस कर लेगा, क्या कर लेगा, ये रेजोनेंस कर लेगा। अब ये रेजोनेंस में कर लिया तो ये लोन पेयर कैसे हो गया, डीलोकलाइज हो गया, क्या दैट मीन्स जीरो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, किस नाइट्रोजन का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अपन देख लेते हैं, कितना है, एक और एक, दो, दो सिग्मा हमारे पास, और लोन पेयर एक लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें। अब जो लोन पेयर दिख रहा है पहले ये चेक करो कि लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, ये रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस करता तो तुम्हारा क्या हो जाता, डीलोकलाइज, दैट मीन्स उसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये देखो मेरे को बताना, ये जो तुम लोन पेयर देख रहे हो लोकलाइज या डीलोकलाइज है,
लोकलाइज्ड है। थोड़ी देर पहले अपन देखें क्या यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट अगर तुम्हारा यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है तो वो तुम्हारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या हो गया, लोकलाइज हो गया क्या, ये रह गया तुम्हारा लोकलाइज। दैट मीन्स दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या गया sp3, मतलब एक एस और sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, एक एस और दो पी है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान देना। स्पेशल पॉइंट में यही स्पेशल पॉइंट पास था, सुनते जाओ, कोई नोट मत करना। सबसे पहले अपन वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला देखे, ठीक है, उसके बाद अपन आए सबसे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फिर देन ये वाला। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सब है, हाँ नहीं इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। सेकेंड वाला को भी ध्यान में रखना है कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर, मेरे साथ बोलो, लोन पेयर हो, पॉजिटिव हो या फ्री रेडिकल हो या नेगेटिव हो, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स लोकलाइज या डीलोकलाइज, लोकलाइज क्या हो गया, लोकलाइज। उसके अगले केस में अपन क्या देखा, स्पेशल पॉइंट थर्ड में, थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता है, दैट मीन्स नाइट्रोजन के पांच बॉन्ड इम्पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिखे हुए, नाइट्रोजन के पांच बॉन्ड इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। क्लियर है। और फोर्थ नंबर में अपन ने क्या देखा कि अगर जब कभी भी ऑक्सीजन का तुम देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव है, अगर इस टाइप का रेजोनेंस तुम्हें दिख जाए, ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे भी आ रहा था, किधर गया, यहाँ पे भी आ रहा था, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जा रहा है, तो ये रेजोनेंस करना नहीं चाहेगा, स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। क्लियर है, पक्का, ऑब्वियस है ना। तुम्हें MBBS मिल रही तो तुम वेटनरी करोगे क्या, सर हमें जानवर से ज़्यादा चले जाओ। और इस केस में क्या था, स्पेशल पॉइंट फाइव में, कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, जो लोकलाइज होगा, ठीक है, डी लोकलाइज वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। चलो नोट करो, अब हमारे सामने मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट देखे थे, क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट। पहले एक छोटा सा डिफरेंस मैं तुम्हें समझा दूं, डिफरेंस तुम्हारे सामने बस इतना है, अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर लूं या इंडक्टिव की बात कर लूं, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट बोले तो नॉर्मली रेजोनेंस ही और कुछ नहीं है, ठीक। अब तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे थे, ठीक है। और इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट बोले तो रेजोनेंस में क्या हो रहा था, तुम्हारा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे थे। मतलब डिफरेंस देखने को बस ये मिला कि एक जगह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का खेला था और एक जगह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का खेला था, ठीक है। अपना सिंपल सा फंडा बस इतना ही था। तो अगर लाइक जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में कितने टाइप थे, दो, एक प्लस आई, दूसरा माइनस है। प्लस आई क्या करता था, नॉन पोलर कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता था, यही करता था। मतलब प्लस आई ग्रुप ऐसे ग्रुप होते थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते थे, ठीक है। और माइनस आई क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता था। यहाँ पे भी सेम होगा, बस डिफरेंस आ जाएगा रेजोनेंस का। इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस नहीं होता और मेसोमेरिक इफेक्ट में तुम्हारा रेजोनेंस होता है। यहाँ पे भी दो टाइप देखने को मिलेंगे, एक हो गया प्लस एम और दूसरा हो गया माइनस एम। प्लस एम भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, और माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाएगा। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से बढ़ा रहा था, किस तरीके से घटा रहा था, इस तरीके से मैं यहाँ पे भी डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले है तुम्हारे सामने प्लस एम, कौन सा है जी, प्लस एम। मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तुम्हारे सामने प्लस एम। अगर प्लस एम की बात कर लो तो सबसे पहले मैंने तो फिनोल ले रखा है, क्या रखा है मैंने, फिनोल। अगर सुनो, प्लस एम ऐसा ग्रुप होता है ना, ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाती, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई में कौन बढ़ा रहा था, नॉन पोलर कार्बन चेन पे बढ़ा रहा था। यहाँ पे कहाँ पे बढ़ाएगा, बेंजीन रिंग पे, ठीक है, किस पे, बेंजीन रिंग पे, लेकिन क्या करके, रेजोनेंस करके, क्या करके, रेजोनेंस। यार सबको ही कोई बोलना है, ठीक है, बोलते नहीं तो फिर मेरा भी मूड नहीं करता पढ़ाने, बोलना एक आवाज होना चाहिए क्लास में। सुनो मैंने क्या बोला, प्लस एम के केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, क्या करके, रेजोनेंस करके। किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बेंजीन पे। ये चीज अपन रेजोनेंस से समझेंगे, किसे समझेंगे, रेजोनेंस से। जैसे मैंने फिनॉल ले लिया, ठीक है, मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को बनाना है, तो यहाँ पे क्या लोन पेयर है, पक्का। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो क्या इधर मैं पॉजिटिव चार्ज जनरेट करूंगा, पाई बॉन्ड को थोड़ा इधर प्लस और इधर माइनस में, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये लोन पेयर है तो यहाँ पे शिफ्ट कर गया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जैसे लोन पेयर दे दिया, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। देखो एक लोन पेयर है इसके पास और बाकी तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, छः, और एक लोन पेयर, आठ, ठीक है। अब देखो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या फर्दर रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर क्या वो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। सुनना, फर्दर मैंने इस पाई बॉन्ड को थोड़ा प्लस और माइनस में, अब ये प्लस माइनस मिलकर क्या बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या, क्लियर है। देखो अब वापिस सेम टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई सिग्मा नेगेटिव,
पाई सिग्मा नेगेटिव, तो मैंने इसे थोड़ा इधर प्लस और इधर माइनस में, प्लस माइनस मिलकर बना लिया क्या, यहाँ भी प्लस था इसे भी माइनस चार्ज मिल गया, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो गया। तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर ये, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर ये। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि बेंजीन रिंग पे मैंने बोला कि प्लस एम, बोले प्लस एम ऐसा ग्रुप होता है ना जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, क्या करके रेजोनेंस कर। कितने लोगों को दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ये बोलो कितने लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है विनीत कहाँ पे दिख रहा है बालक, देखो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये चीज को नोटिस करना। जब तुमने रेजोनेंस कराया तो बेंजीन बेंजीन रिंग पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या, क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या, क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या, क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या। तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट मींस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है क्या, बढ़ रही है। तो मतलब ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिंग की डेंसिटी बढ़ा दे वो कैसे इफेक्ट करेगा, प्लस है। और अगर माइनस एन की बात करूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा दे वो क्या करेगा, माइनस एम लगेगा, क्या करेगा माइनस एम। अब अपन देखेंगे प्लस एम ग्रुप वाले कौन से होते हैं और माइनस एम ग्रुप वाले कौन से होते हैं। सुनना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं कोई मैंने एक बेंजीन रिंग लिया, क्या लिया मैंने बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग से मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ग्रुप। अब ये जो ग्रुप देख रहे हो इसे कहते हैं अपन ऑर्थो पोजिशन, क्या कहते हैं ऑर्थो, ग्रुप के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, और इसे मेटा, और इसे पैरा, और ये भी क्या हो गया ऑर्थो, और ये क्या हो गया मेटा, क्लियर है। ये हो गया पहला पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, दूसरे वाले को मेटा और तीसरे वाले को पैरा। अगर मैं एक ग्रुप को यहाँ पे लगा देता तो इधर आ जाता ऑर्थो मेटा पैरा, समझ में आ रहा है। ग्रुप से लगा, ग्रुप के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं, ग्रुप से लगा जस्ट पहला वाला ऑर्थो कहलाएगा, उसके नीचे वाला मेटा कहलाएगा और उसके नीचे पैरा कहलाएगा, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो देखो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, OH है, क्या OH है। अब ध्यान देना कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रहा है। देखो ये हो गया तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, क्या ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव चार्ज देखो पैरा पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया क्या, नहीं। इस केस में देखो ये तो वही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। अगले केस में जब जैसे रेजोनेंस किया फिर से कहाँ जनरेट हुआ जी नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन में, मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बहुत सही, लेकिन किस किस पोजीशन पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कुछ भी नहीं कर रहा, किस किस पोजीशन पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, क्लियर है। चलो माइनस एम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं माइनस एम की, थोड़ा देर पहले ही मैंने हिंट दे दिया, रेजोनेंस करते हैं पाई सिग्मा पाई, क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस करेंगे। मैंने इधर से तोड़ा, क्या अपन इसे इधर से तोड़ सकते हैं, अगर इधर से तोड़ दूं ना, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर है क्या, अगर मैं इसे इधर से तोड़ दूं, इसे प्लस चार्ज ला दूं तो इसके पास वापस से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यही वाला केस आ जाएगा, केस नंबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस तुम्हारा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस देखो इसे क्या हो रहा है, अगर मैं इधर से तोड़ूँ तो यहाँ पर मैं प्लस जनरेट कर दूँगा, तो ये हो गया एक कार्बन पर प्लस है और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड में तुम्हारा रेजोनेंस कर रहा है, क्या इस केस में रेजोनेंस होता है, नहीं होता। तो जब कभी भी रेजोनेंस करो तो मोर आयन पर नेगेटिव चार्ज लाओ, क्या लाओ मोर आयन पर नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसे चलो तोड़ते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस में, इधर प्लस और इधर माइनस में, क्लियर है। अब ये तो टूट गया तुम्हारा ऑक्सीजन पे, क्या आ गया माइनस चार्ज। सुनना अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, पक्का रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस करेगा, फर्दर रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर से रेजोनेंस करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस और माइनस वाले ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है या ये ऊपर ऊपर जा रहा है, रेजोनेंस वाला समझ में आ रहा है ना। और हाँ ये दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क से बना के लाने दिए थे, बन गया था सेम स्ट्रक्चर, मिला लेना। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्दर इस कार्बन पे तोड़ो, पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर तुम्हारा बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिस, आपस में मिलकर क्या किया बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, वापस से हमें ये मिल गया, वापस से हमें ये मिल गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे क्या एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पे क्या लगा हुआ था OH वाला अल्कोहल का ग्रुप लगा था, ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड है क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस तो कर रहा बहुत सही, बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस तो कर रहा बहुत सही, लेकिन ये क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, कौन कौन से पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा, मेटा पोजिशन पे कहीं नहीं आया, देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि माइनस एम फिर ऐसे वाले ग्रुप हो गए ना जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दे, वापस से सुनो, माइनस एम ऐसा ग्रुप हो गया, ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दे, वो कैसे ग्रुप कहलाएंगे, माइनस एम वाले ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है, मतलब कमी कर दे रहा है। सुनो देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, देखो बेंजीन रिंग से दूर भाग रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो ना बेंजीन रिंग से क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है ना बेंजीन रिंग पे, क्या बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है? जब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से कोई ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन देखो, ये सारे जो लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट हो रहे हैं, बेंजीन रिंग पे तो शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाता है। तो यही दो मेजर डिफरेंस आते हैं देखने को, कि अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूँ तो माइनस एम ग्रुप ऐसे वाले ग्रुप होंगे जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, क्या करे, बढ़ा दे, प्लस एम मैंने बोला था, और माइनस एम ऐसे ग्रुप हो गए जो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे। क्लियर है? अब ध्यान देना, अब हमारे सामने पॉइंट ये निकल गया है कि बेंजीन रिंग पे कौन कौन से पोजीशन पे, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मतलब जब कभी भी अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर दूं तो ये दो ही पोजीशन के लिए एप्लीकेबल होगा, एक ऑर्थो पोजीशन के लिए और एक पैरा पोजीशन के लिए, चाहे वो प्लस एम हो चाहे वो माइनस एम हो, मेटा पोजीशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। एक चीज ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट और इसमें थोड़ा मैं कुछ कंपेयर करके बता रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देख रहे थे, वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, किस पर डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पर, ठीक है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो प्लस एम वाले देखोगे ना, सारे सेलिब्रिटी आते हैं, सारे रही जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन रही जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि अगर अपने को हेल्प चाहिए होता, अगर अपने को हेल्प चाहिए होता तो अपन नियरेस्ट वन से देखते हैं, ठीक है, कि भाई 10-20 हैं तो कुछ भी दे दे अपने, मेरा काम हो जाए, ठीक है। और ये सेलिब्रिटी वाले क्या होते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे जो रईस लोग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार फोन पे फेंक के मारेंगे अकाउंट में लाखों रुपए तुम्हारे भर जाएंगे। तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ऑनलाइन पेमेंट वाले, ऑनलाइन मेथड वाले कौन से हो, डिजिटल इंडिया बना रहे, क्या कर रहे, डिजिटल इंडिया बना रहे, सुनना। तो ये था तुम्हारा एक मेजर डिफरेंस, क्या था, कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। अब देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो हर एक पोजीशन के एप्लीकेबल होगा, चाहे ऑर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर मैं बात कर दूं तो ये हमेशा ऑर्थो और पैरा के लिए एप्लीकेबल होगा और किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। समझ में आया क्या, कितनों को प्लस एम वाला इफेक्ट समझ में आ गया और माइनस एम वाला इफेक्ट समझ में आ गया, कितनों को आ गया? प्लस एम किसे कहते हैं हमारे, प्लस एम ग्रुप कौन से ग्रुप को कहेंगे, ऐसा ग्रुप जो जा करके क्या कर दे, रोड कर, बोल बोल बोल, रेजोनेंस करके, शुभम डेंसिटी बढ़ा दिया, क्या कर रहा है, ऑब्वियस अब डेंसिटी बढ़ा रहा है, डेंसिटी घटा रहा है तो किस चीज का डेंसिटी बढ़ाएगा, अपन पढ़ी रहे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो या तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाएगा या तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर है मेसोमेरिक इफेक्ट, चौक मत जाना सर, कभी मेसोमेरिक कह रहे हो कभी इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हो, क्लियर है? ये समझ में आ गया प्लस एम और माइनस एम। अब देखो शो कौन करेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, इस चीज को समझो, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, जो खुद गरीब होगा, जो खुद गरीब होगा। देखो कैसे, मतलब अगर यहां पे मैं लिखूं कि प्लस एम ग्रुप वाले कौन कौन से होते हैं, देखते जाना, मैंने क्या बोला, वही शो करेंगे ना जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिच में कौन से आते हैं, या तो नेगेटिव या तो लोन पेयर, और कोई रास्ता है तुम्हारे पास नहीं, दैट मीन्स OH हो गया, किसके पास लोन पेयर है पक्का, OR हो गया, किसके पास लोन पेयर है पक्का, NH2 हो गया, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिख रहा है? अब यहाँ पे N के जगह पे मैंने एक H ले लिया, एक मैंने R ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पे लोन पेयर है, इधर भी मैंने R ले लिया, इधर भी मैंने R ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो एक आ जाता है तुम्हारा फिर हैलोजन, हैलोजन के पास भी क्या लोन पेयर होता है पक्का, इसके बाद चलो अपन देख लेते हैं NH माइनस, क्या हो गया तुम्हारा NH माइनस, ठीक है, फिर O माइनस, क्या सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं, एक और ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया मैंने, किसके पास लोन पेयर है पक्का, एक और ले लेता हूँ, ये सारे के सारे तुम्हारे कौन से इफेक्ट शो करेंगे बाबू, प्लस एम, क्या शो करेंगे प्लस एम, ये सारे प्लस एम ग्रुप के एग्जांपल हैं। देखो बेंजीन से लगा डायरेक्टली जो एटम होगा ना, उसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी एक चीज होगा, दैट मीन्स वो हमेशा कैसा इफेक्ट लगाएगा प्लस एम, क्या लगाएगा प्लस एम। देखो ये जो ऑक्सीजन की बात, मैंने क्या बोला, इसमें सारे सेलिब्रिटी आ गए, प्लस एम में क्या आ गए, सारे सेलिब्रिटी आ गए, सारे रही से। देखो ऑक्सीजन की बात कर ले, इसके पास कितना है, दो दो लोन पेयर है क्या, ओ आर, एच के जगह मैंने क्या किया बस आर ले लिया, कोई खास डिफरेंस नहीं,
ऑक्सीजन के पास क्या है? अब ये जो वैलेंसी में दिखा रहा हूँ ये जो रेडिकल जनरेट है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्ट पहला आइटम कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। या क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? हैलोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही दो चीज तो तुम्हें देखने को मिला, तीन चीज, सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, यही तीन है। मतलब अगर जब कभी भी बेंजीन रिंग से पहला जुड़ा हुआ आइटम या तो नाइट्रोजन होना चाहिए या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या तो हैलोजन, तो तुम्हारा कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस है। हम ऐसा नहीं, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे भी कुछ कुछ डिपेंड करता है, बता रहा हूँ। जैसे इस केस में अगर मैं बात कर लूँ ना तो NO2 तो ये माइनस एम लगा देगा। क्या लगा देगा? माइनस। देखना कैसे बताता हूँ। क्या ये ध्यान में रहेगा? पक्का सारे कैसे आ गए? रईस वाले आ गए। इतना पहले समझ लो। अब दूसरा केस देखो, यहाँ पे माइनस एम वाला केस, किसका केस देखो? माइनस एम वाला। अगर माइनस एम की मैं बात कर दूँ तो माइनस एम क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन ले रहा था। क्या क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा था? अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या तो लालची होगा, ठीक है। अब इसकी मैं बात कर दूं एल्डिहाइड की, तो सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा है? कोई मेरे को बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ या ना, बताओ। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने कुछ लिखवाया था, पोलर पाई बॉन्ड वाले। कौन से? पोलर पाई बॉन्ड वाले। पोलर पाई बॉन्ड वाले केस में क्या होता है सर? कौन सा चार्ज जनरेट होता है? पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव? पार्शियल पॉजिटिव। क्या? पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान दो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ये ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की है। क्या? तो कार्बन क्या थोड़ा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव आ गया। क्या? अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स इसे इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे वहां पे क्या था तुम्हारा? माइनस आई की अगर मैं बात कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी करता था, तो इसमें कौन आता था? प्लस वाला आता था, पार्शियल पॉजिटिव वाला आता था, फिर न्यूट्रल वाला आता था। तो पार्शियल पॉजिटिव का काम ही क्या? इलेक्ट्रॉन खींचना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन खींचना। माइनस आई के केस में भी खींच रहा है और यहाँ पे भी खींच रहा है, लेकिन हाँ ऑर्डर दोनों का कभी कंपेयर मत कर देना कि प्लस आई का क्या होता है और सॉरी प्लस एम का क्या होता है, माइनस आई का क्या होता है, माइनस एम का क्या होता है, वो कंपेयर तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें कंफ्यूजन होने लगेगा। देखो इस केस में माइनस एम की अगर मैं बात कर दूं ना तो इसमें सारे पार्शियल पॉजिटिव वाले आएंगे। देखो कैसे, मैं कुछ एग्जांपल लेते जा रहा हूँ। चलो मैंने एल्डिहाइड ले लिया, क्या इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा? पक्का। अगर मैंने कीटोन ले लिया, हाँ इस कार्बन के पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद चलो मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, फिर अगर मैं अमाइड ले लूँ, देखना इस केस में क्या हो रहा है। ये और कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की एन ज्यादा है, कार्बन की एन कम, कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी कैसे चार्ज है? इस पे कैसे चार्ज है? इस पे कैसे चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे कैसे चार्ज है? देखो कार्बन और नाइट्रोजन में एन ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो कार्बन पे कैसे आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एन ज्यादा है क्या? नाइट्रोजन में क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए मैं कह रहा था सारा नाइट्रोजन वाला नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन अगर जुड़ा हो तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया है। किसको? लोन पेयर को। उसके बाद मैंने क्या लिया? इस्टर ले लिया। क्या ले लिया? इस्टर। मतलब जब कभी भी, एक चीज कॉमन देखो, जब कभी भी ज्यादातर केसेस में अगर बेंजीन रिंग से तुम्हें ये वाला ग्रुप लगा दिख जाए, ये वाला ग्रुप, तो हमेशा माइनस एम लगाएगा। क्या लगाएगा? माइनस एम। देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में, किसमें? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में। लेकिन देखो एक चीज कॉमन देखो ना, सब में तो सीओ ग्रुप ही कॉमन आ रहा है लगभग लगभग हर एक केस में। हाँ केवल दो अलग थे, एक साइनाइड था और एक नाइट्रोजन था। तो ये तो तुम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट में देख ही रखा है कि दोनों के पास क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा तो हमेशा क्या लगाएगा? माइनस एम। क्या ये सारा ऑर्डर याद हो गया? क्या ये भी सारा ऑर्डर याद हो गया? इसमें तीन ही चीज कॉमन था, देखो एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हैलोजन। हैलोजन का तो एक ही था। अब यहाँ पे क्या मतलब बनता है? यहाँ पे मैं एच रख दूँ या आर रख दूँ, क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी एच है, दो हाइड्रोजन। अब एक जगह हाइड्रोजन दे दिया, एक मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इधर हैलोजन है, हैलोजन है, चलो छोड़ो, NH माइनस O माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा? ये भी इधर भी देगा और इधर भी रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेजोमेरिक इफेक्ट कम हो जाता है, बताऊंगा मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन डायरेक्टली लोन पेयर है, मतलब बेंजीन, ये वैलेंसी का मतलब क्या? इधर ये डायरेक्टली किससे जुड़ेगा? बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, ठीक है। और बेंजीन रिंग से जुड़ा जो पहला एटम होगा, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव दिख जाए, लोन पेयर या नेगेटिव दिख जाए, हमेशा का हमेशा वो प्लस एम लगाएगा। क्या लगाएगा? प्लस एम। और जब कभी भी नाइट्रोजन से जुड़ा पहला जो एटम होगा उसे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, समझ में आया, उस
बेंजीन रिंग से जुड़ा पहले एटम के पास अगर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहे तो हमेशा वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम। कैसा इफेक्ट लगाएगा वाला, माइनस एम। क्लियर है, पक्का? इतना ही बात तुम्हारे सामने आया था। अब देखो मैंने क्या बोला, मेसोमेरिक इफेक्ट है सो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो यहाँ से जितना लगा रहा है वहाँ से भी उतना ही लगाएगा, उसको डिस्टेंस से तो मतलब नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे क्या निकल गया मेसोमेरिक इफेक्ट में, मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने ये देखा मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने ये देखा कि ये केवल अप्लीकेबल था किसके लिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के लिए, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मेटा पोजिशन पे इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा जीरो, सॉरी मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा जीरो होगा और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नॉन जीरो होगा। क्लियर है, पक्का? अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर ले तो रेजोनेंस को केमिस्ट्री में बाप जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब रेजोनेंस है तो है, उसकी पावर ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ओएच का ले लिया, क्या ले लिया? ओएच का। अब एक बात बताना, ओएच क्या लगाता, प्लस आई या माइनस आई? ओएच क्या लगाता, इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा हूँ, प्लस आई या माइनस आई? क्या लगाता है? माइनस आई। तो माइनस आई लगा रहे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा? पक्का? इसलिए मैंने बोला था कि दोनों को मिक्सअप मत कर लेना, मेसोमेरिक कंफ्यूज आ जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओएच की अगर बात करें तो इंडक्टिव लगा रहता है, इंडक्टिव में कौन सा लगा रहा था? माइनस एम। क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा था? पक्का? और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या कर रहा, प्लस एम या माइनस एम? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ पे क्या लगा रहा है? प्लस एम। ध्यान दे रहा है, ये जो ओएच को तुम देख रही है क्या लगा रहा है? प्लस एम लगा रहा है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट, यही ओएच तुम्हारे क्या लगा रहा है? माइनस एम। तो प्लस एम ज्यादा होगा माइनस एम, समझ में आया? मतलब कभी भी क्वेश्चन करो तो तुम पहले मेसोमेरिक इफेक्ट देखोगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे। समझ में आ गया, पक्का? एक और केस को समझना है। एक एक्सेप्शन निकल के आता है, और एक्सेप्शन ये है कि फोर हैलोजन, फोर हैलोजन, हैलोजन क्या लगाता है, प्लस आई माइनस आई? माइनस आई लगाता है। क्या आता है, हैलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा होता है। और यहाँ पे बताऊँ मेसोमेरिक इफेक्ट में हैलोजन क्या लगाता है, प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम। क्या लगाता है? प्लस एम। तो एक एक्सेप्शन तुम्हारे सामने यही निकल के आता है कि हैलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से। किससे? माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से। एक्सेप्शन है, क्या है? एक्सेप्शन। क्लियर है यहां तक? कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं ना? चलो नोट कर लो, और आज का लेक्चर रहेगा हमारा यहीं तक। सुनना सुनना, दो मिनट सुनते जाओ कि आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़े, आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया, ठीक है। आज के लेक्चर में सबसे पहले अपन स्पेशल पॉइंट पढ़े, पांच स्पेशल पॉइंट थे हमारे सामने। पहला था वैकेंट और वाटर रेजोनेंस था, दूसरा क्या था, पाई बॉन्ड के ऊपर अगर लोन पेयर हो, सबको बोलना है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव और फ्रेड कलर, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। तीसरा क्या था, नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, अगर न्यूट्रल हो तो तीन, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो चार। चौथा पॉइंट क्या था, पाई सिग्मा पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो क्या वो रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन वाला, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। डीलोकलाइज लोन पेयर या नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं। क्लियर है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करूं तो तुम्हारे सामने यही निकल के आया, प्लस एम। अगर मैं बात करूं, दो टाइप थे, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, किस पे? बेंजीन रिंग पे, ठीक है। मतलब दैट मींस द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन बाय डूइंग रेजोनेंस। क्लियर है। और माइनस एम की बात करें तो रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने देखा मेसोमेरिक वर्सेस और इंडक्टिव में, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। उसके बाद एक एक्सेप्शन आया हैलोजन का निकल के, हैलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से। आज का लेक्चर यहीं तक था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस।